ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 11। यह सब अपना ही परिवार है, आपके ब्रदर्स हैं ना? अपने परिवार को खाली देख रह नहीं सकते हैं, ऐसा रहम आता है, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। तो सदैव यह चेक करो कि मैंने मर्सीफुल बाप का बच्चा बन कितनी आत्माओं पर रहम किया है। सिर्फ वाणी से नहीं, मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दे सको। तो मनसा सेवा करने आती है, जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना स्वयं सहज मायाजीत बन जाएंगे, क्योंकि औरों को मायाजीत बनाने से उन आत्माओं की दुआएं आपको और सहज आगे बढ़ाती रहेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 मार्च 1991। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं है। सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़े ते बड़ी है, और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपथी है, अल्पकाल की सिंपथी नहीं, पारिवारिक सिंपथी सबसे बड़े ते बड़ी सिंपथी है। और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी संपत्ति तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। सदा अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का कर्तव्य क्या होता है? होली हंस अर्थात जो सदा सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। हंस में निर्णय शक्ति तीव्र होती है। जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकड़ और रतन को अलग कर सकते हैं। रतन को ग्रहण करेगा और कंकड़ को छोड़ देगा। तो होली हंस अर्थात जो सदा निर्णय शक्ति में नंबर वन हो, नेगेटिव को छोड़ दे और पॉजिटिव को धारण करें। देखते हुए सुनते हुए न देखें न सुने, यह है होली हंस की विशेषता। तो ऐसे हो या कभी नेगेटिव भी देख लेते हो? नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करें और न बोले। तो ऐसी शक्ति है जो व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर दो। या व्यर्थ चलता है, चाहते नहीं हैं लेकिन चल पड़ता है, ऐसे तो नहीं है। यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे देगा। इसलिए होली हंस अर्थात परिवर्तन करना,
व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना अगर ऐसी विधि है तो परिवर्तन कर लेंगे। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है, और शुभ भावना नहीं होगी तो सुलटी बात भी उल्टी लगेगी। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना सदा आवश्यक है। तो यह रहती है या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की सामर्थ्य से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है या कभी असर हो जाता है। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना? कैसे किया? शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं, तो आपकी शुभ भावना ही मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे वह पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभकामना वाले होली हंस हो, हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं, तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगी, अपने में धारण नहीं करेंगी। तो संगमयुगी होली हंस है यह स्मृति सदा रखनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1991। क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी है वह आते ही अपनापन महसूस करेगी। उसको ये स्मृति स्पष्ट होगी कि मैं इसी परिवार का था और पहुंच गया हूँ। अपनेपन से निश्चय में या पुरुषार्थ में देरी नहीं लगेगी। वह अपने परिवार को परख लेगा, अपने बाप को पहचान लेगा। तो अपनेपन का अनुभव होना ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी है। सिर्फ नाम या धन में क्वालिटी नहीं, उसको सिर्फ क्वालिटी नहीं कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थ की भी क्वालिटी उसमें हो। और जिसका अटल निश्चय पक्का रहता है उसका प्रभाव स्वतः ही औरों पर पड़ता है। अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होगा, इसलिए तीव्र अर्थात फास्ट जाएगा। जहाँ अपनापन होता है वहाँ कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं और ज्यादा से ज्यादा निकालो, समझा? अव्यक्तवाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। एक बाप एक परिवार, अनेकता खत्म हो गई और सभी एक हो गए। अपना बाप अपना परिवार अपना लगता है ना? चाहे कितना भी दूर हो लेकिन स्नेह समीप ले आता है। स्नेह नहीं
तो साथ रहते भी दूर लगता है। तो ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में आ गए। इसलिए सदा याद रखो, वो हो मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया। जब पाप ने अपना बना लिया तो क्या चाहिए, अच्छा बन गए ना तो इच्छा खत्म हो गई। अच्छा नहीं बनती तो इच्छा रहती, इच्छाएं सब संपन्न हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला, तो तृप्त आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जो भरपूर आत्मा होती है तो उसके नशे को देखो, कहे नहीं कहे लेकिन उसका नशा स्वतः दिखाई पड़ता है। तो आपका रूहानी नशा कितना बड़ा है, तो आप क्या याद रखेंगे, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। और व्यक्तवाणी की डेट है 11 दिसंबर 1991। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का, चाहे विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं, अपने को पात्र बनाऊं। फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं, वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं। लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग के भी ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी, अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकती हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 दिसंबर 1991। ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात राइस के योग्य बनना, विधिपूर्वक आज्ञाकारी बन चांट रखने की आज्ञा पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है। लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र है।
लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति न हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निवन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसी विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1991। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत है, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी है। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो, कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक है उतना और कुछ खोज करे, और कुछ करे, और कुछ करे, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो, अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं। कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, न कल का फिक्र है, न काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1992। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है?
इसका कारण क्या? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चार बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह चार बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ सममान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो है जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन चार बातों में जो अटल निश्चय विधि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा में आप हो और आप मेरे हो, यह पक्का है। 100% से तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल की है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे होना पक्का कराते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं, मैं जो हूँ आपकी या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है, भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलेनाथ को प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महानात्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो, ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा, तो समझा भोला किस में बनना है। तो निश्चय
और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है, फिर उन्हों की भाषा क्यों होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं ऐसे क्या होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं, इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया, ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है, तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्नचित नहीं रह सकती। प्रश्न बहुत करती है, या ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या, तो वह प्रसन्नचित्त आत्मा नहीं है, प्रश्नचित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्होंने प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाले हो या जीवन मुक्ति में आने वाले हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना, तो जीवन मुक्ति में आने वाले हो। मुक्ति में रहना है, ये जीवन मुक्ति में आना है ना, तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना, आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो, यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना, तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है, तो हमें राजधानी में आना है। यह याद रखो, राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए हो तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है, माला में आना है। चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं? हाँ जी, फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो कि हमारा तो बाबा है, बहने क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन सत्य संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल है। उस समय निश्चय बुद्धि कहे
कि संकल्प बुद्धि कहे। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित बुद्धि रहने नहीं देती। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रोहरी हम क्या करते हैं, वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं, अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हो कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है, तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा। थोड़ा सा अलबेले के आलस्य के ढिले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी आपको नहीं। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका, नहीं बचा सका ना, तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। कभी कैसी रो रिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, नाज नखरे भी करते हो, और कभी खिट पिट भी करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है, यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना, पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार को सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करने को, यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपनी चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो तभी माला के मड़के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवीय राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है, चारों ओर मजबूत होना, चाहे निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है, चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा, होमवर्क स्पष्ट हुआ ना, अच्छे स्टूडेंट होना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो होम में ही होमवर्क रख कर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है,
होमवर्क में भी नंबर वन तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर वन, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की दो होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, दो बातें हैं ना। मेजोरिटी किसमें होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजोरिटी के दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजोरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो यह भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है। यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्य का की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना, कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सत्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण, मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता
नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिपा है क्या? सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो, और भी हंसी की बात सुनाएं। सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी है ना? ओम शांति।